के बाद हम लोग हासिल हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। आज के सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि बहुत सा पॉजिटिव काम किया जा रहा है, बहुत सा नेगेटिव भी किया जा रहा है। कुछ लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ लोग उस वक्त से फायदा उठा के बहुत से पैसे कमा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, कॉन्टेंट बड़ा अच्छा होता है, उनके जो मिलियंस में व्यूज जा रहे होते हैं, और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है, और जहां पे वो इतना काम कर रहे हैं वो उनके सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुका है। बहुत से पैसे कमाए जा रहे हैं और बड़ा जबरदस्त काम किया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। अगर आपका कंटेंट कैसा है तो आप ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा अर्न भी कर रहे होते हैं और आप फेमस भी हो रहे होते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरह से आप यूट्यूब पे या आप जो है इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तरीका कार क्या है, किस तरह से। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो वीडियोस डाल रहा हूं लेकिन मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा इतना जो पसंद नहीं करे, क्या रीजंस होती हैं, और क्या वाकई जो लोग हैं वो यूट्यूब से इतना पैसा अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एंकर पर्सन यूट्यूबर है जिनकी व्यूज भी मिलियंस में जा रहे थे, मोइन जुबैर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मोइन, कैसे आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोइन कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब चैनल, कैसा चल रहा है, और जब डिजिटल मीडिया पे आप लोग आए, सोशल मीडिया पे आए, क्या फर्क लग रहा है? जी यकीनन डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों को मिला, यकीनन ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों की जिंदगी बदली जिन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो डॉलर्स में पैसे कमाएंगे। जी तो अब जैसा कि आप लोग आज एक शो कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए किस तरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे व्यूज नहीं आ रहे, लोग हमें लाइक नहीं कर रहे और हमारा कंटेंट जो है वो प्रमोट नहीं हो रहा, जी, तो सबसे पहले उनके लिए एक मुझे मशवरा ये देना है कि वो लोग अपनी क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने उनको एक हिडन एबिलिटीज दी हैं उनको जाने कि वो असल में है क्या। सबसे पहले मिसाल दरानी मुबीन की है कि उसने एक वीडियो छोटी सी डाली क्योंकि उसकी एक क्वालिटी थी, उसने उस अंदाज में वो वीडियो बनाई और चंद सेकंड की वीडियो ने उसको आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां पर लोग 22-22 30-30 साल तक स्ट्रगल करके करने के बाद पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर जब तक आप अपनी एबिलिटीज को नहीं जानेंगे, उनको सामने नहीं लेकर आएंगे और दूसरे के कंटेंट को देखते हुए अगर अपना कंटेंट बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा कि आपके व्यूज नहीं आएंगे और आप परेशान ही रहेंगे। ठीक है मोइन, आपने कब स्टार्ट किया डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आना, यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया और आपका क्या टारगेट था, और कंटेंट के हवाले से भी हमें बताइएगा। अच्छा, मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था और ये मैंने सोचा उस वक्त था जब मेरा एक वीजा रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। तो इस्लामाबाद से वापसी जब लाहौर हो रही थी तो 4 घंटे मैं यही सोचता रहा कि अगली बार जब मैं अगर किसी भी वीजा ऑफिसर के सामने आऊंगा तो मुझसे वो ये ना पूछे कि आप कौन है। तो मेरा बेसिकली आप कह सकते हैं कि गुस्से में मैंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें तरक्की मिली और अल्लाह ताला ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि तकरीबन 1.5 साल में मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स मिले और लोगों ने मेरे कॉन्टेंट को पसंद किया। और उसमें मैंने ये चीज देखी है कि आप 3 चीजों पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर। जब आपकी यूट्यूब आपके कंटेंट को उसी वक्त प्रमोट करता है जब आप उसके साथ लॉयल रहते हैं, यानी कि लॉयल से मतलब ये कि आप एक अमेरिका में बैठी हुई कंपनी के बकायदा तौर पे आप पार्टनर बन जाते हैं या आप कह लें मुलाजिम बन जाते हैं। तो आप जब तक उसको टाइम नहीं देंगे, उसके प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे, वहां पे कंटेंट डालते नहीं रहेंगे तो वो भी प्रमोट नहीं करेगा। जब आप कंटेंट को डालते हैं यूट्यूब की भी रनिंग में वो आपका कंटेंट आता रहता है, फिर अल्टीमेटली ऐसा वक्त आता है कि आपकी एक का जिसको आप कह लें यार मैंने फजूल सी वीडियो बनाई थी लेकिन उसको इतना लोगों ने पसंद किया कि आज मुझे एक अच्छा यूट्यूबर के तौर पर लोग जो है वो जानते हैं। तो ये 3 चीजें जब तक आप नहीं फोकस करेंगे उस पर तो यही होगा कि आपका कंटेंट जो है वो वहीं पर रहेगा और 100 से 150 ज्यादा व्यूज क्रॉस नहीं करेंगे। 1 साल का टाइम आपको यूट्यूब देता है जिसमें आपने 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और कुछ घंटे जो होते हैं 4000 घंटे उसको कंप्लीट करना है, तो 1 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप इसको 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं और अगर बहुत स्लो यूट्यूबर है कोई तो उसके लिए 1 साल बहुत है कि वो 1 साल में अपने आप को कम से कम इतना एलिजिबल कर ले कि आप यूट्यूब के पार्टनर जरूर बन जाते हैं।
ग्रेट मोइन, आप एक बात बड़ी जबरदस्त कही कि लॉयल रहना पड़ता है ना, वो भी एक कंपनी है, आप एज अ पार्टनर काम करें, एज ए एम्प्लॉय काम करें, क्योंकि आप मुंसलिक हो गए ना यूट्यूब के साथ, आप उनके दायराकार में आ गए। मोइन, जैसे कंसिस्टेंसी वीडियो डालना, कुछ लोग गए कि वीडियो एक वीक में डाल दी, तीन वीक तक कुछ भी नहीं किया, चार वीक तक कुछ नहीं किया, दोबारा से फिर एक वीडियो डाल दी और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं लेकिन क्या है कि मुझे अर्निंग नहीं हो रही, तो क्या रीजन है? वीक में कितनी वीडियोस होना जरूरी अकॉर्डिंग टू यू? अगर क्योंकि माशाल्लाह से आप इतना अच्छा काम करें, हम आप ही से मशवरा लेंगे, तो एक वीक में कितनी वीडियोस डालनी चाहिए आपको? अच्छा, इसमें आपके चैनल्स पर डिपेंड करते हैं। आपका चैनल अगर एक न्यूज चैनल है तो आपको डेली कोई ना कोई तीन वीडियो जो है, या अगर कम कर लें तो एक वीडियो तो लाजमी डालें अगर न्यूज चैनल है। लेकिन अगर आपका फूड चैनल है, म्यूजिक चैनल है, या आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप व्लॉगिंग करते हैं, तो फिर अगर आपका ऐसा चैनल है तो आप हफ्ते में तीन भी वीडियो डाल लें, वो इनफ है। क्योंकि न्यूज चैनल का ये होता है कि न्यूज कुछ घंटे बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो उसमें अगर आप डेली कोई ना कोई न्यूज लोगों को नहीं आगाह करते रहेंगे तो आपका न्यूज चैनल जो है वो पीछे चला जाएगा। और फूड वाला जो चैनल होता है वो ऐसा चैनल है, मजहब का भी आप कह लें, मजहबी जो चैनल लोगों ने बनाए होते हैं वो ऐसे चैनल होते हैं जो आज अगर मैंने वीडियो डाली है तो एक साल बाद भी लोग आके बिरयानी की रेसिपी या फिर कोई घरेलू मसाइल मजहब से रिलेटेड अगर चैनल होगा तो वो एक साल बाद भी आके वो चैनल को विजिट करेंगे, वो एक्सपायर नहीं होगी, वो एक्सपायर नहीं होगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं चैनल्स की, अगर आप इन चीजों को देखें तो फिर न्यूज चैनल में आपने रोजाना की एक या ज्यादा से ज्यादा तीन वीडियोज डालें, और जो दूसरे चैनल्स हैं जिसमें मजहब का चैनल हो गया या फूड का चैनल हो गया, उसमें आप हफ्ते की तीन वीडियोस भी डाल लें तो इनफ है। अच्छा मोइन, जैसे आपने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो चैनल है वो आपने कौन सा जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, आपने मजहब से रिलेटेड है, आपका न्यूज है, आपका फूड है, आपका ट्रेवलिंग है। आप अगर आपसे पूछा जाए मोइन कि आज हमारे पाकिस्तान में कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिन पे जो लाइक ट्रैवलिंग वाला, फूड वाला, कौन सा कंटेंट ज्यादा देखा जाता है, और कौन से यूट्यूबर हैं जिनको जो स्लो में काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मतलब उनका अर्निंग भी हो, वो मेहनत भी करें, तो कौन सा सिलेक्ट करें वो अपने लिए? अच्छा, मैं अपनी बात दोबारा से वो एक लाइन रिपीट करूंगा कि आपने किसी और को देखकर अपना चैनल नहीं बनाना, यानी कि अगर लेट्स सपोज मुइन का न्यूज चैनल है या मुइन का फूड चैनल है, तो आपने ये नहीं कहना कि जी मुझे भी फूड चैनल ही बनाना है या मुझे भी न्यूज चैनल ही बनाना है। जो आपकी अपनी एबिलिटीज है अगर आप उसको फोकस करते हुए न्यूज चैनल नहीं बनाएंगे तो आप चैनल नहीं बनाएंगे माजद, तो आपका चैनल वहीं पे रहेगा जहां पे आपने एक साल पहले शुरू किया होगा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है कि रिलीजियस चैनल्स चल रहे हैं, फूड चैनल्स चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट चैनल चल रहे हैं, और उसके बाद स्पोर्ट्स चैनल चल रहे हैं। ये चार कैटेगरीज ऐसी हैं जो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को अगर एंटरटेन होना है तो वो एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ आएगा। टाइम्स अगर चार से पांच बजे का जो घर में खवातीन फारिग होती हैं, जिस टाइम उन्होंने टीवी देखना होता है, या फिर अगर उनके पास मोबाइल फोन है तो वो मोबाइल फोन पर आकर फूड चैनल देखेंगी, कोई रेसिपी देखेंगी, फिर ये टाइमिंग भी आपको देखनी पड़ती है कि मेरा चैनल किस टाइम देखा जा रहा है। उसके बाद अच्छा, ये टाइमिंग का भी होता है कि कौन से वक्त में देखा जा रहा है आपका चैनल? हाँ जी बिल्कुल, YouTube में एक YouTube स्टूडियो होता है, उसकी आप अगर ऐप डाउनलोड करें उसके उसमें आपको ना एक एक चीज मिल जाती है कि आपका YouTube चैनल किन किन एरियाज में देखा जा रहा है, उसके बाद कौन सी एज ग्रुप के लोग आपके चैनल को ज्यादा देख रहे हैं, उसके बाद ये भी बताया जाता है कि आपके चैनल पे जिन लोगों ने विजिट किया क्या वो सब्सक्राइबर भी आपके बने या नहीं, या उसको सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब किए बगैर ही चैनल को छोड़ के चले गए। तो YouTube में काफी ज्यादा चीजें आपको मिल जाती हैं। कौन सी आप दोबारा रिपीट कीजिएगा भाई? YouTube स्टूडियो के नाम से। स्टूडियो के नाम से, ग्रेट। हाँ, आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके कंटेंट को कितना पसंद किया जा रहा है, जितना क्या लोग क्या देखना चाह रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको टाइमिंग भी मिल जाती है उसमें, आपको हफ्ते के जो सात दिन है उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आपका जो चैनल है वो सात से लेकर शाम सात से लेकर दस बजे तक ज्यादा देखा जा रहा है, और सुबह जो बारह से लेकर तीन बजे यहाँ पर कोई विजिटर नहीं आता, कोई व्यूअर नहीं आता, तो आप कंटेंट अगर आपने अपलोड करना है तो सात से लेकर दस बजे तक करें, यानी कि चैनल में लिखा होता है, सब कुछ लिखा आता है। अगर आपका चैनल आप उसमें एनालिटिक्स में जाके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा चैनल इस टाइम ज्यादा देखा जाता है, तो मुझे कॉन्टेंट भी उसी वक्त अपलोड करना है, ताकि ये ना हो कि मैं कंटेंट 12 बजे सुबह अपलोड करूं और मेरा विजिटर या मेरा व्यूअर जो है वो 7 बजे उठ के या 7 बजे उसको फारिग टाइम मिले तो वो उस कंटेंट को विजिट करे। आप अपने चैनल पर कंटेंट उसी वक्त डालें
जब आपका व्यूवर जो है वो एक्टिव हो, एक्टिव व्यूवर को ज्यादा आप टारगेट करें, ना कि उन व्यूवर्स को जो अभी इनएक्टिव हैं। तो जितने एक्टिव व्यूवर्स होंगे, यानी कि आपका टाइम, अगर फिर मैं रिपीट करता हूं कि अगर 4 से लेकर 5 बजे तक व्यूवर एक्टिव है तो आप उसी टाइम कंटेंट को अपलोड करें, ताकि आपको बूस्टअप मिले, आपको यूट्यूब जो है ना उस कंटेंट को बूस्टअप करे मजीद। ठीक हो गया मोइन, आपने सोचा था कि आपका यूट्यूब चैनल इतना चलेगा माशाल्लाह, 1.5 साल के अंदर अंदर इतनी आपके सब्सक्राइबर होंगे, आपकी अर्निंग भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी हो जाएगी, क्या सोचा था जब प्लान कर रहे थे, जब कंटेंट को देख रहे थे या स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको अंदाजा था? अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे इसमें अर्निंग करनी है। अच्छा? क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी भी मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं जब मुझे जब मेरा माइंड कहे कि यार मुझे आज कंटेंट बनाना है। तो मुझे कंटेंट भी मैं उसी वक्त बनाता हूं, तो मेरा फोकस अभी अर्निंग नहीं है, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है। तो ये जितने सब्सक्राइबर्स अब तक आए हैं, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ये मेरे जेहन में बिल्कुल नहीं था कि मुझे अर्निंग करनी है। और अभी भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अर्निंग करना फोकस नहीं है। मेरा फोकस ये है कि मुझे ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना है जो थोड़ा हटकर हो। आप अगर मेरे चैनल को आप विजिट करें तो मैंने नो डाउट मैं न्यूज चैनल के तौर पर अपने चैनल को चला रहा हूं, लेकिन मेरा चैनल अभी भी ऐसे इश्यूज को हाईलाइट नहीं करता जो ट्रेंडिंग में हो, जिसके व्यूज ज्यादा आ सकते हैं। मैं उस चीज पर फोकस करता हूँ जहां पे मैं रिलैक्स फील करूं, यानी कि वही बात कि अगर आपकी जो एबिलिटी है आप उसी में रहकर काम करेंगे तो आप रिलैक्स भी रहेंगे और आपको जो चीज मिलेगी, जो व्यूवर्स मिलेंगे, वो आपको जरा इनकरेज मजीद करेंगे। अभी कभी मैं इतना को अपना अपने आप को बतौर बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं साबित करना चाह रहा, लेकिन कहीं भी हमें लोग मिलते हैं आकर तो ये कहते हैं ना कि यार आपका कॉन्टेंट मैं देख रहा होता हूँ तो हमें बड़ा पसंद आता है, तो उस टाइम मुझे फील होता है कि ये असल में मेरी अर्निंग है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या आपके कंटेंट को पसंद कर रहे होते हैं वही आपकी असल अर्निंग है। मोइन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जितनी भी एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब है, आपको क्या लगता है कि ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा रहा है या टाइम वेस्ट करने वाले लोग ज्यादा है? नहीं, इसमें यह है कि टाइम वेस्ट करने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर वही बात यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जब तक आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक आपको वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे। मुझे याद है कोरोना के दिनों में कहने को तो लोग काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 2-3 आर्टिस्टों से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके ये एक्टिविटीज तो कोरोना के दिनों में बंद रही तो क्या करते रहे, किस तरह अर्निंग आपकी फिर आती रही? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि एक फलाह ऐप थी, उसमें हमने अपना टाइम स्पेंड किया तो हमें इतनी अर्निंग हो जाती थी कि हमारी जो महीने के अखराजात है ना वो उसमें कम से कम निकल आते थे। हाँ। तो टाइम स्पेंड करें आप किसी ऐप पर, किसी भी ऐप पर टाइम स्पेंड करें, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट पे आप कर लें, फेसबुक पे कर लें, आप यूट्यूब पे कर लें, जब तक आप टाइम नहीं देंगे एक चीज को वो वही बात है कि आप लॉयल उनके साथ रहें, वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। हाँ, ठीक हो गया। आप जो देखने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहें जो यूट्यूब बनाना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट भी है लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अच्छा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? जी बिल्कुल, आपका यूट्यूब चैनल चलेगा, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उन्होंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। सिर्फ काम ये करना है आपने कि आपने दूसरे को देखकर, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल नहीं करना, आपने वो काम करना है जो अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटी दी है। पहली बात मैं फिर आपको कहूंगा, ये चीज फोकस में ना लाएं कि आपने अर्निंग करनी है। मैं अपनी बात कहूं, लोग देखते होंगे लेकिन मुझे पता है ना कि इतनी ज्यादा अर्निंग समटाइम नहीं भी होती, लेकिन अर्निंग वही है जो आपको बाहर जाकर इज्जत मिलती है, लोग आपको पसंद करते हैं। तो आप अपनी एबिलिटी को पहले जाने, एबिलिटी आपकी जो है उसी को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को दिखाएं। देखें ना, स्नैक वीडियो पे या टिकटॉक पे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। अब ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो, अगर सिल्वर स्क्रीन की बात करें, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है हमारी, उसमें कई सालों की स्ट्रगल होती है, उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, और ये टिकटॉक और स्नैक ने वो तमाम स्ट्रगल को साइड पे किया। 1 साल की उनकी स्ट्रगल, 20 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर्स उनके, और वो डायरेक्ट सिल्वर स्क्रीन पर आ गए, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी थी उन्होंने उसको दुनिया को दिखाया
और दुनिया ने पसंद किया और आज वो कहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि दूसरे को देख के आपने ऐसी कोई चीज शुरू नहीं करनी जो कंटेंट नहीं उठा। नहीं नहीं नहीं, कंटेंट नहीं उठाना। किसी की क्वालिटी देखे, मुझमें जो क्वालिटी है वो शायद आप में ना हो, आप में जो क्वालिटी है वो मुझमें ना हो। हाँ, ट्रू। जो क्वालिटी आप में है उस पर फोकस करें, उसके बाद सुकून से प्लान करके, चाहे उससे 3 महीने लगे या 6 महीने लगे, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल जनाब, जैसे मोइन ने बताया कि अगर आप यूट्यूब चैनल को रन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपकी अर्निंग भी हो, सब्सक्राइबर भी ज्यादा हो, तो कंटेंट पे खास कर फोकस कीजिए और कंसिस्टेंसी होना बड़ा जरूरी है। आपकी वीक में 3 या 4 वीडियोस होना बहुत जरूरी होता है। नाजरीन, इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत और कल फिर होंगे हाजिर। अपना रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।